हेलो दोस्तों गुड इवनिंग राधे राधे इस टाइम बज रहे हैं शाम के रहे हैं, नहीं, पौने पाँच ना बेटू नहीं पौने छः सॉरी और हम लोग आए हैं बाहर देख सकते हो कितना अच्छा नजारा लग रहा हरा भरा और बिटू भी है बिटू हाय करो बिटू आपके सामने आगे डॉगी है वो देखो दो सो रहे हैं बिटू उन्हीं को देख के और यहाँ पे हरी भरी घास है देखो ए, तो हाई करो हाई करो देखो तुम्हारे जैसे दे खेलो की सब कट गया इस साइड का साफ सुथरा हो गया अभी चालू नहीं हुआ ना स्विमिंग पूल अच्छा बंद गया ना पूरा अच्छा ये सुबह बंद रहता क्या मॉर्निंग हाँ तो सुबह उस दिन आए थे सात बजे तब भी ताला लगा हाँ, जब वो ना, भी से था हैं तब खुलता है तो बिटू हाय करो बिटू बिट्टू तो हाय करो से अब बिट्टू के देखो मैंने ये 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 दिखा इधर इधर दोनों तरफ ये चोटी बांधी लोगों की रील बन गई बिट्टू आई थी साथ में अब जा रहे हैं घर थोड़ा सा करेंगे एक्सरसाइज अभी बिट्टू के जो हैं सर नहीं आए अभी जाके थोड़ा सा करते हैं एक्सरसाइज अच्छा लगा आज थोड़ा घर से बाहर निकले है ना बिट्टू अच्छा लगा कि नहीं बिट्टू नहीं बोलोगी क्या हाय करो हाय हाय गाइस बोलो नहीं बोलोगी तो <laughs> बाय कर लो देखो वो देखो, 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 देखो। बोल रहे तो अब हम लोग जा रहे हैं घर और देखो कितना अच्छा लग रहा क्या हंसी क्या हसी ओ कितना प्यारा तो कितना प्यारा प्यारा मून लग रहा है चंद्रमा लग रहा है आज हिंदी दी वैसे हिंदी बोलना चाहिए हम लोग आज इंग्लिश बोले सॉरी कितना प्यारा लग रहा है ना नाव सुपर सुपर डुपर वाव नहीं बहुत सुंदर लग रहा है वाव नहीं तो वाह इंग्लिश में आता आज हिंदी दिवस तो बहुत सुंदर लगता है बहुत है प्यार हेलो दोस्तों फिर उसके बाद शाम को आने के बाद फिर हमने बनाए थे पराठा जैसे कि हम बता रहे हैं पनीर पराठा थे पनीर रखा हुआ था बेटू का मनपसंद आइटम है तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए पनीर पराठा ही बना देते तो यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर पराठा दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए दबा दीजिए जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूर मुझे छोटों से प्यार बड़ों से आशीर्वाद और आप सभी लोगों से सपोर्ट चाहिए अपना सपोर्ट बना के रखिएगा और फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा अच्छा, अच्छा ये बेड अच्छा लगता है ना ये सिंगल बेड है और इसको लगा रहे हैं और दोस्तों कल हमारे यहाँ कल है सोमवार आज संडे का दिन है अभी बच्चों के कपड़ों में प्रेस भी करना है तो देखती हूँ आज ही कर लूँगी क्योंकि कल तो बहुत सारा काम रहेगा और कल है सोमवार तो कल हमारे यहाँ कल है पुआ मतलब ऐसे पुआ तो गांव में हो गया मेरे ससुराल में भी हो गया मगर हम नहीं किए थे तो हमें यहाँ ज़्यादा बनाना नहीं है अपने अपनी बेटी के लिए बेटा के लिए हस्बैंड के लिए तो हस्बैंड वाला तो गाय को खिलाते और बेटी बेटा वाला हम खा लेंगे बाक़ी तो कल ही भर में खाना क्योंकि मंगल नहीं बुधवार से लग रहे हैं पितर तो पितर देव के पहले ही पुआ को खा लिया जाता मतलब रखे नहीं जाते तो मैं खा लूँगी और फिर उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो पराठे राठे हो जाने के बाद ये दूसरे दिन यानी कल मतलब बहुत सारे मैंने कपड़े वग़ैरह धुले थे बेडशीट वग़ैरह तो मैं क्या करती हूँ कि भाई संडे के दिन उतना नहीं रखती हूँ संडे के पहले ही मैं कर लेती हूँ और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है पहले से कर लो ज़्यादा सही है और बाद में करने से नहीं सही रहता तो मैं भैया पहले से ही साफ सुथरा सब कर लेती हूँ मेरी आदत हो गई सफाई करने की तो मैं पहले से साफ सुथरा घर को अच्छे से सब कुछ मैं कर लेती हूँ कितना भी हो जाए मुझे अच्छा घर साफ सुथरा घर ही अच्छा लगता है और फिर उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे पानी भरने वाले थे इन सबको मैंने कहा अच्छे से मतलब सब धूल उल के रख देती हूँ भाई एक हाउस वाइफ की यही एक आदत होती है भाई घर को सजाना संवारना उसी की जिम्मेदारी होती तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए और ना ही मैं भक्ति भी नहीं हूँ मैं हमेशा अपने घर को सजाती संवारती हूँ अच्छे से करती हूँ सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ हाँ यह है कि अब भगवान चाहेगा तो बहुत कुछ होगा मुझे भगवान पे विश्वास है मुझे काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो मेरा एक चैनल और है मधुलिका यू पी आर बी एल जिसमें मुझे चार साल हो गए काम करते हुए और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो शाम की ये वीडियो है और बेटू यहाँ पे झाकी झुकी कर रहे थे कि मम्मी क्या कर रही तो हम यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रहे हैं अच्छा बेटू जो है चड्डी बन में थे तो मैंने उनको मना किया और बिटू यहाँ पे पेपर से ऊँग करके गाना गा रही थी तो बच्चों के साथ मेरा दिन सुबह से लेके शाम कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है बच्चों के साथ बहुत सारी मस्ती हो जाती सारे काम भी हो जाते अच्छा भी लगता बच्चे होते हैं सच्चे मन के और फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ बिट्टू ने ये बनाया था बिट्टू बनाई थी सूर्य भगवान को कहे सूरज बनाए हैं अपनी मैडम को दिखाएंगे तो हमने कहा ठीक है अपनी मैडम को दिखाना और इतने सारे सब बेड शीट वगैरह भी है सब धुलना फोल्ड करना ये सारा काम हमें तो करना रहता है ये पूरा साफ सुथरा तो फिर हमने कहा थोड़ा खड़े होके करते या दुख रही थी दोस्तों तो मैं यहाँ खड़े होके करने लगी हूँ और यहाँ देख सकते हो फोल्ड करके अच्छे से क्योंकि बड़े बड़े थे तो बैठ के करने में सही नहीं लग रहा था इसीलिए मुझे मजबूरन खड़े होना ही पड़ा और यहाँ देख सकते हो और आप लोगों के कमेंट थे दीदी आप आ, के घर वाले नहीं बोलते हैं कि मतलब टी शर्ट पैंट और सब कुछ तो जी नहीं मेरे हस्बैंड भी नहीं बोलते हैं और मैं जहाँ रहती हूँ मेरी सास ससुर वगैरह मेरी सासू माँ तो है ही नहीं ना तो ससुर जी हैं दोनों लोग इंस्पायर हो गए मगर यहाँ साथ में मेरे सास ससुर नहीं रहते हैं मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ मेरे हसबैंड भी रहते हैं बट वो ड्यूटी उटी जाते हैं कभी आते कभी नहीं आते ऐसे मेरे हस्बैंड रहते और यहाँ पर देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये जो हेयर आदिवासी वाला है वही मैं लगा रही हूँ तो मैंने कहा इसको लगाऊंगी बालों में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे अच्छा पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा कि इसी की वजह से बाल झड़ रहे हैं अच्छा इसको तीन दिन लगातार लगाना है जब तीन दिन लगाने के बाद मेरे बालों में ये तेल था उसके बाद से मुझे अब मुझे खुद एहसास हो रहा कि मेरे बाल झड़ना कम हो गया नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा झड़ते थे अच्छा मैंने कल लगाया आज मैंने हेयर वाश नहीं किया है आज मैं नहीं धोगी इसको मैं कल धूँगी और ये देखो ये छोटी वाली था तो इसको मैंने मंगाया था अच्छा एक और मैंने ऑर्डर किया था तो वो आया नहीं था तो फिर ये छोटा वाला ही ऑर्डर मतलब आया है तो फिर मैंने इसको मंगाया है और देखते हैं क्या अच्छा रिस्पांस आता है अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी आप लोग भी मंगाइएगा बल्कि मैं किसी मतलब प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट का भाई हम लोगों का तो ना तो इतना ज़्यादा वायरल हूँ और ना ही इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है कि किसी भी वीडियो का प्रमोशन करूँ मैं तो ऐसे बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ तो यहां पे मैंने फिर टाइट टाइट चोटी बांध ली है हमने कहा चोटी बांधेंगे तो ठीक रहेगा अब जो मतलब पूरे बालों की इतनी चोटी होती तब मेरे आधे बालों की भी इतनी चोटी नहीं होती थी जैसे मेरे मुझे कोई पिन रहता था लगाने मेरे बालों में नहीं आता था मैंने अपने बाल ही काट देती थी तब उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी अब लगता है बाल काश लंबे हों तो कितना अच्छा लगता तो मगर बाल लंबे हैं हाँ ही नहीं है और का पतले से बाल हैं टेंशन रहता दिमाग में बहुत ज़्यादा फिलहाल मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ मगर हाँ कुछ बहुत तो टेंशन रहता है जैसे कि मुझे टेंशन रहता कि भगवान मेरा चैनल अच्छे से चलाओ अच्छे